गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को पहले ही इन पंचदिवसीय अर्थात दीपावली पांचों दिनों की पूजा विधि पहले ही बता दी है। ऐसी स्थिति में उसमें से ही गोवर्धन पूजा के उपाय भी हैं, आवाहन विधि भी है, और साथ ही यह छोटे छोटे सी जानकारी गुरुदेव की कथा में से है। जैसे कि 26 अक्टूबर के दिन गोवर्धन पूजा हो रही है, ऐसी स्थिति में इस दिन पूजा होती है गोवर्धन भगवान की अर्थात श्री कृष्ण भगवान की, और साथ ही गौवंश की, गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है। ऐसी स्थिति में आपके जैसा विधि विधान है उस तरह से सही विधि से जो है पूजा करने का प्रयास करें। साथ ही गुरुदेव कहते हैं गोवर्धन भगवान की परिक्रमा और गोवर्धन भगवान को दूध चढ़ाने से अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में आप भी जो है गोवर्धन भगवान को, उनके स्वरूप को जो है दूध चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करने का जो है प्रयास करें। ऐसी स्थिति में गोवर्धन पूजा का सबसे पहले शुभ मुहूर्त बता दूं, गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह के समय में हो रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है किस तरह से उपाय करें यह ध्यान से सुनिए। गुरुदेव कहते हैं गोवर्धन अर्थात गौ अर्थात लक्ष्मी और वर्धन मतलब वृद्धि अर्थात गोवर्धन। ऐसी स्थिति में आप जो है माता लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गौ सेवा करें और गिरिराज महाराज का पूजन करें, और जो यह दिन है अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा गोवर्धन पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। ऐसी स्थिति में शाम के समय में आप सभी को माता लक्ष्मी का पूजन करना होगा और 5 दीपक प्रज्वलित कर लेने होंगे। यह दीपक घी के जलाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सभी को दीपक लगा लेने होंगे। कैसे दीपक लगाने हैं? 5 दीपक लेने हैं। सबसे पहला दीपक जो आपने सुबह के समय में गोवर्धन पूजा कर रखी है वहाँ पर जो है पहला दीपक लगाया जाएगा। दूसरा दीपक जो लगेगा वह लगेगा मटका परिंडा इत्यादि के पास अर्थात पितरों के स्थान पर। तृतीय दीपक जो लगेगा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगेगा। चतुर्थ दीपक तुलसी के पास लगेगा। और 5वां जो दीपक लगेगा जहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी का अपने घर पर पूजन किया है। और साथ ही यह दीपक लगाने के बाद आपको इस तरह से आवाहन करना है। आवाहन की सही प्रक्रिया जान लीजिए। आप सभी को माँ लक्ष्मी और भगवान गोवर्धन अर्थात गिरिराज जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण का और माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है। इस तरह से दरवाजे के पास खड़े होकर कहना है। पहले दीपक लगा लेंगे, उसके बाद आवाहन करेंगे। और पूरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन गुरुदेव अपनी कथा के अंश के माध्यम से बताते हैं श्रीमन नारायण 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 अर्थात श्रीमन नारायण नारायण का जितना जाप करते हैं उतना बेहतर आपको फल मिलेगा। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं जब आप शाम को दीपक लगा लेंगे तो इस तरह से आवाहन कर रहे गोवर्धन महाराज का स्मरण करें और साथ ही माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए कहें कि हे गोवर्धन जी महाराज, हे गिरिराज जी महाराज, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर परिवार पर आपने प्रवेश किया है। हे गिरिराज महाराज मेरे घर पर प्रवेश करें और हमेशा के लिए वास करें। मेरे धन संबंधी जो परेशानी है उनका अंत करें। मेरे जो साल भर की पूजा पाठ का मुझे फल दे। हे गोवर्धन जी महाराज, हे गिरिराज जी महाराज आप जीवन में सभी कष्टों का निवारण करने में सहायक हैं। मेरे भी कष्टों का निवारण करें और मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आवाहन करेंगे इसी समय घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर, और कहेंगे कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर परिवार पर आए, मैं गृहस्थ जन हूँ, मुझे सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है। मेरा परिवार आप जानते हैं किस स्थिति में है, मेरे परिवार की स्थिति को आप सुधारें। इस तरह से आवाहन करना है और यह 5 दीपक लगाने हैं। यह जानकारी गुरुदेव की कथा की थी, कैसे बताइएगा जरूर। वीडियो मददगार रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्री राधे।